मॉडर्न वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से दुनिया की पॉपुलेशन 16वीं शताब्दी में थी 50 करोड़ और 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व की जनसंख्या हो गई करीब 600 करोड़ और 21वीं शताब्दी के अंत तक पूरे विश्व की जनसंख्या हो जाएगी करीबन 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। आज हिंदुस्तान की आबादी है तकरीबन 140 करोड़ और हिंदुस्तान की आबादी 2050 तक 200 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। जनसंख्या के मामले में भारत चीन जैसे देश को पीछे छोड़ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक नया बिल लेके आई है, जनसंख्या बिल। जी हाँ, जिसके तहत एक परिवार को सिर्फ एक बच्चा करने की अनुमति होगी, हम दो हमारा एक। इस बात पर सरकार बहुत जोर दे रही है और ये बिल 2 साल बाद जनवरी 2023 में लागू हो जाएगा। चाइना जैसे देश में ये कानून पहले ही लागू हो चुका है। दूसरा बच्चा करने पर कड़ी पाबंदी और सख्त सजा है। यहाँ अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जनसंख्या नियंत्रण पर भारत सरकार का सबसे बड़ा फैसला है। यार ये बिना काम ही नहीं। यहाँ एक बच्चा तो हो नहीं रहा है और ये बच्चों पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। यार ये सब पागल बनाने की बात। यार देखना, कोई नहीं मानने वाला ये काम, और ये सब करने से कोई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होने वाला। अरे यार, मेरे हिसाब से ना गवर्नमेंट को ना शादी करने से ही बैन लगा दीजिए। बस करिए आप, ठीक है ना? एटलीस्ट इन दोनों को तो मत बिगाड़िए। हां चलो ना, चलते हैं, बहुत लेट हो गया। ओके लेट्स गो, चलो। अरे चलो यार, टेक केयर यू, बाय बाय बाय। तो मैडम नेक्स्ट की प्लानिंग शुरू करें? शट अप, चलो चुपचाप सोने, मुझे बहुत नींद आ गई है। अरे नींद तो रोज आती है। पल्लवी, पल्लवी रोने से क्या फायदा है? जो होना था हो गया। लेकिन हम मम्मी पापा से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे मिसकरेज हो गया, अब झूठ नहीं बोल सकते पल्लवी। लेकिन मम्मी, वो तो मुझे ही कहेंगी ना, दूसरी बार मिसकैरेज हुआ है। पल्लवी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन हमारे इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब ठीक होगा। ये इतनी रात को कौन आ गया? मैं देखता हूं। आपका नाम अनिकेत जोशी है? जी। हमें ऊपर से आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है। क्या हुआ? नहीं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आपने सरकारी कानून तोड़ा है, एक से अधिक बच्चे पैदा करने का जुर्म किया है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन सर आप ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप हमें ये नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चुपचाप हमारे साथ चलिए। जब जनसंख्या बिल पास हुआ था तब आपके समझ में नहीं आया था? अरे आप लोगों के कारण ही हमें डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है। ले जाइए, चलिए। Thank you.
अनी क्या हुआ? तुम ठीक हो? आओ यहाँ बैठो। इतनी जल्दी क्यों उठ गई विद्या? अच्छे से नींद मिली तुम्हें? नहीं, पूरी रात नहीं सो पाई मैं। विद्या तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है, बच्चे पर असर पड़ेगा। कल तुम्हारी डिलीवरी डेट है, तुम्हें आज हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। लेना ही नहीं चाहिए था आनी, चाचा मैं सब देखना पड़ रहा। प्लीज 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 आनी प्लीज। हम दो हमारा एक ये बिल जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। अब आलम यह है कि अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की जा रही है और इस कानून का सख्ती से पालन किया जाए। दूसरा बच्चा करने पर कड़ी पाबंदी है और अगर आप दूसरा बच्चा पैदा करते हैं तो आपको अपना बच्चा सरकार को सौंप देना होगा। आइए जानते हैं इस पर लोगों का क्या रिएक्शन। सर आपकी वाइफ जो है गर्भवती है? सर हाँ, हमारा वाइफ गर्भवती है तो तुम्हारे पेट में कहा तकलीफ हो रहा है। सर ये आपका पहला बच्चा है? नहीं, वैसे तो भगवान की कृपा से पहले तीन है, ये चौथा है। तो सरकार के बनाए हुए कानून के बारे में आपको नहीं पता, जिसकी जानकारी सरकार पिछले 2 सालों से टीवी और अखबार के माध्यम से आप तक पहुंचा रही है। ए भैया, ये सरकार को कोई काम है क्या नया नया कानून और बिल निकालने की सेवा? है हम गरीबों के बारे में सोचा कभी कि हम अपना गर्मी कहाँ उतारे फिर? हल तुम बात करें, सरकार को समझाओ ये सब चीज़, हमको मत समझाओ। ये सब कानून के चक्कर में तो हमको बहुत टेंशन हो रहा है कि कहीं हमारे बछवा को हम उससे हाथ ना धो बैठे। भाई बहुत टेंशन में है। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। फालतू का सवाल हमसे मत करो भाई, सरकार से कीजिए। हमारा खोपड़ी खराब हो गया तो हम पहले तुमको तोड़ेंगे फिर माइक को तोड़ेंगे। हट जाए बाजू। तो क्या आपका ये दूसरा बच्चा है? जी नहीं, ये मेरा पहला बच्चा है और हमें दूसरा चाहिए भी नहीं। सरकार ने इस जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में जो बिल पास किया है हम उसके समर्थन में हैं और सरकार के हर फैसले में हमारा सहयोग रहता है। नमस्कार, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन से मैं आया हूँ। विद्या जी के बारे में कुछ जानकारी मुझे लेनी थी, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई विद्या जी की डिलीवरी की डेट कब है? कल की डेट बोलिए। कोई प्रॉब्लम आपको विद्या जी स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या कुछ? जी नहीं। अनिकेत जी,
डिलीवरी के बाद बच्चा आप कहाँ देने वाले हैं? गवर्नमेंट को या फिर किसी रिलेटिव को या फ्रेंड में, जैसे किसी के पास बच्चा ना हो? सरकार को। सरकार के निर्देश के अनुसार अगर आप अपना बच्चा सरकार को देते हैं तो पूरी देखभाल सरकार के तरफ से की जाएगी। उस बच्चे को ऐसे परिवार में दिया जाएगा जो बहुत ही सक्षम हो और बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने की काबिलियत रखता हो, और आपको अपने बच्चे से मिलने की इजाजत हमेशा रहेगी, लेकिन बच्चे पे आपका कानूनी हक नहीं होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ। तो इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। सर, क्या आप बताएंगे कि सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, सुरक्षा के बहुत खास इंतजाम किए गए। शहर में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई ताकि किसी भी प्रकार का हिंसक आंदोलन ना हो। और हाँ, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं समय से हॉस्पिटल पहुँचे और अपना इलाज करा सकें। अच्छा सर, ये बताइए अगर कोई बच्चा ना देना चाहे तो क्या करेंगे? जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उन्हें अरेस्ट करने के ऑर्डर तो हमें मिल ही चुके हैं, और किसी भी तरह की बदतमीजी और अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा सर, ये बताइए कि नो मोर क्वेश्चन। नर्स जी, अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप रहे हैं। सरकार से कहना कि इसका पूरा ध्यान रखे। गुड़िया, जाओ इनके पास, हम तुमसे मिलने आया करेंगे। अगर सरकार ने हमको मिलने की इजाजत दी तो ध्यान रखना गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया। सर, आपको लड़का हुआ है, आप अपने वाइफ से मिल सकते हैं। आइए आइए सर। सर, बच्चा मैं दे दीजिए। नहीं अनु, नहीं अनु, लाइए सर बच्चा। हमारा बच्चा अनु, ऐसा नहीं कर सकते। अरे कहाँ जा रहे हो? प्लीज अनु, मैं नहीं रह पाऊंगी इसके बिना। लाइए सर बच्चा। Thank you.
मिस्टर अनिकेत जोशी जी, मेरा नाम वैभव दास है और ये मेरी वाइफ है पल्लवी। ये बच्चा हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, लेकिन पेरेंट्स कॉलम में आपका नाम था तो हम दोनों ने आपसे मिलने का फैसला किया, हम इसलिए यहाँ आए हैं। मिस्टर जोशी, आपके बच्चे की कस्टडी हमें दी गई है। आप आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए। विद्या। हाँ नी, कौन है? हेलो। विद्या। विद्या, हमारे बच्चे की कस्टडी सरकार ने इन्हें दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी, आप नहीं जानते आपने इतना बड़ा कदम उठा के हमारे जीवन में भी खुशियां भर दी है। थैंक यू सो मच जी। अनिकेत जी, हम दोनों बहुत परेशान थे, आपके इस कदम ने हमारी अंधेरी जिंदगी में उजाला भर दिया। शब्दों में मेरे पास आप, थैंक यू सो मच। वैभव जी, ये सब? सर ये कुछ भी नहीं है, आपके गिफ्ट के आगे ये कुछ भी नहीं है सर, प्लीज मना मत कीजिए। आप बस इसका ध्यान रखिएगा, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा विद्या जी, मैं इसको यशोदा बन के पालूंगी और आप हमेशा इसकी देवती ही रहेंगी। जब भी आपका इससे मिलने का मन करे आइएगा। अरे बातों बातों में तो इसका नाम ही बताना। हाँ बताइए, क्या नाम रखा है इसका? हमने इसका नाम कृष्णा रखा है। कृष्णा, कृष्णा बहुत प्यारा नाम है। कृष्णा आजा, आजा मेरे पास।